नेशनल पार्क की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेंच नेशनल पार्क। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के और भी नेशनल पार्कों को कवर किया गया है, इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं और वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो पेंच नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क इन द ईयर 1975। इससे पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, 1975 में इसे एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। अगर इसके लोकेशन की हम बात करें तो सियोनी और छिंदवाड़ा दो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के, है ना, इनके अंदर लाई करता है। इसका टोटल एरिया है, तो आपको एरिया में यहाँ पे कंफ्यूजन होता होगा कि ये दो कैसे लिख रखे, तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि ये 257.3 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये महाराष्ट्र के अंदर लाई करता है, और जो इसका टोटल एरिया है मध्य प्रदेश, ये ज्यादातर इसका पोर्शन जो है वो मध्य प्रदेश में लाई करता है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में मिलाकर जो इसका टोटल एरिया है वो है 758 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। इट ऑल्सो शेयर ए बाउंड्री विद महाराष्ट्र, है ना, ये क्लियर हो गया। ये जो मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है लेकिन ये बाउंड्री जो है वो महाराष्ट्र के साथ भी शेयर करता है, और इसका कुछ एरिया जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है वो है 257, और जो टोटल एरिया इसका है वो है 758 स्क्वायर किलोमीटर। यदि आपसे कोई टोटल एरिया के बारे में पूछे तो आप यही बताना कि 758 स्क्वायर किलोमीटर है ना। उसके बाद ये पढ़ लिया आपने कि बाउंड्री महाराष्ट्र के साथ भी शेयर करता है। उसके बाद इसका नाम जो है वो पेंच रिवर के नाम पे पड़ा है ना, इसके अंदर से एक नदी प्रवाहित होती है जिसे पेंच रिवर कहा जाता है, जिसका नाम पेंच है, तो इसी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम पेंच रखा गया है ना। और इट वाज इस्टेब्लिश्ड एज ए टाइगर रिजर्व, है ना, ये टाइगर रिजर्व भी है। 1992 के अंदर इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया और नाउ ये वर्क कर रहा है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, अभी वर्क कर रहा है और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इसमें अच्छी खासी पॉपुलेशन टाइगर की देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर मेजर फ्लोरा यानी वनस्पति की बात की जाए तो महुआ, व्हाइट कुलू, सलाई, साजा, बिजियासल, अमलतास और मेनी अदर्स फ्लोरा पाए जाते हैं। और मेजर फोना यानी जीव जंतुओं की बात की जाए तो यहाँ पर बंगाल टाइगर, चीतल, उसके बाद जंगल कैट, है ना, ये जंगल कैट दोनों साथ ही, जंगल कैट, इंडियन लेपर्ड और गोर आदि पाए जाते हैं। तो ये था हमारे पेंच नेशनल पार्क के बारे में। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं एक बार रिटर्न से रिप्ले कर देता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेंच रिवर। इसके बाद यहाँ तक लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।